अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नमकीन प्याज़ी चिकन, जो कि बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है और बनाना भी आसान है। प्लस अगर आप हमेशा जो है वही चिकन खाका के बोर हो गए हैं, चिकन कोरमा, चिकन करी वगैरह, तो इस तरीके से एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको कुछ डिफरेंट टेस्ट मिलेगा और अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले गैस पर रखना है हमें एक टोप या फिर कढ़ाई, जो भी है आप वो रख लीजिए। उसमें हम डालेंगे पानी, थोड़ा सा पानी डालिए। और यहाँ पे मैंने डाला है 2 मीडियम साइज़ के प्याज रफली चॉप करके, साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें, और यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा धनिए की डंठल, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 7 से 8 बादाम, बादाम नहीं है तो आप काजू भी डाल सकते हैं। इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी में बॉईल आने का वेट करेंगे। जब देखिए पानी अच्छे से गर्म हो जाए तब इसे हम ढक के 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो मसाले अब हम निकाल लेते हैं, प्याज, हरी मिर्च और जो बादाम है इसके छिलके हम निकाल लेंगे। अगर आपके पास बादाम नहीं है तो आप काजू भी ले सकते हैं या फिर काजू बादाम दोनों भी ले सकते हैं। तो बस सारी चीज़ें देखिए मैंने अच्छे से निकाल दिया। इसे हम ठंडा होने रखेंगे और जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर बादाम के छिलके मैंने निकाल लिए हैं, प्याज, हरी मिर्च, बादाम, इसका जो है एक हम फाइन पेस्ट बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं डाल रही हूँ 3 छोटी इलायची और 1 जायफल का छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, ये डालेंगे। और यहाँ पे मैंने डाला है 100 ग्राम दही। डाल के ये सारी चीज़ों को अच्छा एक फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। इसे साइड में रखेंगे हम और गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई, उसमें तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इधर पर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा चटकने के बाद यहाँ पे देखिए मैं ले रही हूँ 500 ग्राम चिकन, 500 ग्राम चिकन है, आधा किलो चिकन का जो है हम हाई फ्लेम पे इसका कलर चेंज होने तक इसे हम भूनेंगे। साथ ही में अब इसमें ऐड करते हैं यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून जो है मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। 1.5 टेबल स्पून इसमें हमें डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसे हमें अच्छे से भूनना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा कितना पतला है। अगर आपका गाढ़ा है अदरक लहसुन का पेस्ट, आप पानी डाल के इसे थोड़ा पतला कर लीजिए और इसे फिर चिकन में ऐड कीजिए। और इसे जो है हम चिकन के साथ 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छे से। इससे जो है चिकन की स्मेल पूरी तरीके से निकल जाती है, प्लस फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चिकन का। तो एक बार आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। तो बस अदरक लहसुन के साथ हमें 1-2 मिनट भून लेना है चिकन को। उसके बाद में हम यहाँ पे पाउडर मसाले डालेंगे। तो मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है और 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर। अब मसाले को भी जो है पाउडर मसाले को अच्छे से चिकन के साथ इसे भी हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चिकन जो है मेरा 30 से 40% तक के पक गया है। चिकन को हमें 30 से 40% तक के पका लेना है पहले ही, क्योंकि जब हम पेस्ट डालेंगे ना तो इसमें काजू या फिर बादाम है तो ये पेस्ट नीचे चिपकने लगता है, चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से गलता नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा पहले ही चिकन का जो पानी होता है ना उसी में आप जो है ये मसाले चिकन को 30 से 40% तक के पका लीजिए। अब हम पेस्ट डालेंगे और पेस्ट डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने नमक भी ऐड किया है, इसकी क्लिप लेना भूल गई हूँ, तो आप नमक याद से डाल लीजिएगा। तो बस सारे मसाले अच्छे से मिक्स करके इसे ढक के हमें 15 से 20 मिनट इसे पका लेना है। 10 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए मैं खोल के चेक कर रही हूँ, मसाला हमारा नहीं भुना है, देख सकते हैं आप, ऑयल ऊपर नहीं आया है। तो इसे ढक के इसे हम 10 मिनट और पकने देते हैं। तो 10 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए खोल के चेक कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए ऑयल जो है ऊपर सरफेस पे आ गया है, यानी कि हमारा चिकन बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है, मसाले भी पक गए हैं। तो बस इसे एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए जिसमें हमने प्याज उबाली थी ना वही पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, क्योंकि इस पानी में प्याज का पूरा फ्लेवर चला गया है। तो बस ये हम पानी डालेंगे, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से डाल लीजिए। तो मेरे पास जितना स्टॉक बचा था वो मेरे लिए इनफ था तो मैंने उतना डाल लिया। अगर आपको लगे तो आप ऊपर से और थोड़ा पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 कप के अंदाज़ पानी डाला है। पानी डाल के हम पानी को पकने रखते हैं।
5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा टेस्टी सा जो है चिकन करी बनके तैयार हो गया है। तो बस गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ी सी मिर्च, तो ये लाल हो गई है वही मिर्च डाल रही हूँ, अगर आपके पास हरी है तो आप वो डाल लीजिएगा। थोड़े अदरक के लच्छे और थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया की पत्ती गार्निशिंग के लिए। तो बस सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत ही टेस्टी सा जो है हमारा ये चिकन करी बनके तैयार हो गया है। तो टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, एक बार आप ट्राई कीजिएगा, आपको कुछ डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। अगर आप हमेशा जो है वही चिकन खा के बोर हो गए तो एक बार इस तरीके से बना के ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती होगी तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।